अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दोस्तों, मैं हूं दानिश मलिक, आप सब देख रहे हैं नेक रास्ता यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक मरतबा अमीरुल मोमिनीन हजरते सैयदना अलीउल मुर्तजा शेरे खुदा करमल्लाहु ताला वजहल करीम अपने दोनों शहजादों हजरते सैयदना इमाम हसन व इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला के साथ हरम काबा में हाजिर थे। आपने देखा वहाँ एक शख्स खूब रो रो कर अपनी हाजत के लिए दुआ मांग रहा है। आप करमल्लाहु ताला वजह करीम ने हुक्म दिया कि इस शख्स को मेरे पास लाओ। इस शख्स की एक करबट चूंकि फालिस ज़दा थी, लिहाजा ज़मीन पर खिचड़ता हुआ हाजिर हुआ। आप करमल्लाहु ताला वजाहल करीम ने उसका वाकिया दरियाफ्त फरमाया तो उसने अर्ज़ किया कि या अमीरुल मोमिनीन, मैं गुनाहों के मामले में नहायत बेबाक था। मेरे वालिदे मोहतरम, जो कि एक नेक वस वाले मुसलमान थे, मुझे बार बार टोकते और गुनाहों से रोकते थे। एक दिन वालिदे माजिद की नसीहत से मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उन पर हाथ उठा दिया। मेरी मार खाकर वो रंजो गम में डूबे हुए हरम काबा में आए और उन्होंने मेरे लिए बद्दुआ कर दी। उस दुआ के असर से अचानक मेरी एक करबट पर फालिस का हमला हो गया और मैं ज़मीन पर घिसट कर चलने लगा। इस गैबी सजा से मुझे बड़ी इबरत हासिल हुई और मैंने रो रो कर वालिदे मोहतरम से माफ़ी मांगी। उन्होंने मेरे हाल पर रहम खाकर मुझे माफ़ कर दिया। फिर फरमाया, बेटे चल, मैंने जहां तेरे लिए बद्दुआ की थी वहीं अब तेरे लिए सेहतयाब होने की दुआ मांगूंगा। चुनाचे हम बाप बेटे ऊँटनी पर सवार होकर के मक्का मुअज़्ज़मा आ रहे थे कि रास्ते में यकायक ऊँटनी बिदक कर भागने लगी और मेरे वालिदे माजिद उसकी पीठ पर से गिर कर दो चट्टानों के दरमियान वफात पा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब मैं अकेला ही हरम काबा में हाजिर होकर दिन रात रो रो कर खुदा ताला से अपनी तंदुरुस्ती के लिए दुआएं मांगता रहता हूँ। अमीरुल मोमिनीन हजरते सैयदना अलीउल मुर्तजा शेरे खुदा करमल्लाहु ताला वजहल करीम को उसकी दास्तान इबरत निशान सुनकर उस पर बड़ा रहम आया और फरमाया, ए शख्स, अगर वाकई तुम्हारे वालिद साहब तुमसे राजी हो गए थे तो इत्मीनान रखो, इंशाअल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। फिर आप करमल्लाहु ताला वजहल करीम ने चंद रकात नमाज पढ़कर उसके लिए दुआए सेहतयाब की। फिर फरमाया, कुम यानी खड़े हो। ये सुनते ही वो बिला तकल्लुफ उठकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। सुबहानअल्लाह। तो दोस्तों, ये थी हजरते सैयदना अलीउल मुर्तजा शेरे खुदा करमल्लाहु ताला वजहल करीम की जिंदा करामात के आपकी दुआ से एक फाली ज़दा शख्स भी जो खिचड़ कर चलता था वो भी अल्लाह के फजल से और आपकी दुआओं से बिल्कुल सेहतयाब होकर अपनी टांगों पर चलने लगा। दोस्तों, इसीलिए आप करमल्लाहु ताला वजाहल करीम को अली शेरे खुदा मुश्किल कुशा के नाम से जाना जाता है। आपकी बेशुमार करामतें हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज का वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके सभी यार दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मालूम और लोगों तक भी पहुँच सके और आप भी सवाब के मुताहिक बने। तो मिलता हूँ आपसे एक और किसी नई वीडियो में। जब तक के लिए दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़।